नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में बधाई हो आपकी तो लॉटरी लग गई आने वाले 24 घंटे के अंदर अब आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है इससे अब गांव में आपका नाम की चर्चा होगी कुछ इतनी बड़ी कामयाबी अब आप सभी के जीवन काल में आने वाली है जिन्हें देखकर घर परिवार खुशी से छूने वाले हर जगह अब जसन का माहौल बनने वाला है यस में खुशखबरी देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह खुशखबरी नहीं आपके कर्मों का फल है आपकी मेहनत का फल है जो आपने पिछले समय इतना मेहनत किया है इतना परिश्रम किया है उन्हें का फल अब भगवान आपको देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है अब ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं और आपको बड़ा संकेत देने वाले हैं आने वाले 24 घंटे के अंदर से ही आप सभी की जिंदगी में यह परिवर्तन होकर रहेगा इन्हें कोई रोक नहीं सकता बस आप इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में रखना बस ये एक चीज और आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा आप जिस भी काम को हाथ में ले लेंगे वह कामयाब हो जाएगा मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी और यही नहीं दोस्तों आपके शत्रु भी आपसे हार मान जाएंगे आपके सामने घुटने टेक देंगे आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही आ रहा होगा ऐसी कौन सी चीज है जिसको जेब में रखने मात्र से इतने बड़े चमत्कार हो सकती है तो आपका प्रश्न आना बिल्कुल ही जायज़ है लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल ही संभव है ज्योतिष शास्त्र में और हमारे वैदिक परंपरा में ऐसी गुप्त और छुपी हुई रहस्यमयी जानकारियां हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान और लोगों को यदि ज्ञान है कि इसके लिए उन्होंने बहुत मोटी मोटी रकम चुकाई है कीमत चुकाई है कई ज्योतिषाचार्य और ब्राह्मण इस जानकारी को देने के लिए बहुत सारी रुपए की मांग करते हैं और लोग हंसते हुए जीते भी हैं क्योंकि उनको हंड्रेड लाभ होते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको वही रहस्यमय गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपकी मानसिकता बदल जाएगी सोच बदल जाएगी और जीवन तो बदलेगा ही इस बात कि हम गारंटी देते हैं अब हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं कुछ ऐसा रहस्यमय ज्ञान होता है जो हर इंसान को पता नहीं होता है और जिस इंसान को पता चल जाता है वह कोई साधारण इंसान नहीं रहता है क्योंकि इन चीज़ों में इन बातों में इतनी शक्ति होती है कि यह इंसान के जीवन को शुरू से लेकर अंत तक पूरी तरह से कर देती है इस विषय पर ऊपर ऊपर का ज्ञान तो यह है कि कोई रतन बताता है कोई विशेष धातु की कोई अंगूठी कराया छल्ला बताता है या फिर कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बताता है लेकिन दोस्तों यह सब ऊपर ऊपर की बातें हैं गहराई की बात कोई नहीं बताता क्योंकि वहां पर तो चमत्कार बैठे हुए हैं लेकिन ऐसी बातें कोई मुफ्त में थोड़ी बता देता है इन सब बातों को बताने के बदले में लोग रकम लेते हैं लोग अपनी जीवनचर्या चलाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि इन चीजों का प्रभाव तो होता ही है और लोग हंसते हुए इन चीजों को जानने के बदले में पैसे देते हैं और अपने जीवन को बदल डालते हैं तो दोस्तों ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना है आपको और वीडियो में बताई गई हर एक बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है यदि आपने जरा भी वीडियो को मिस कर दिया वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अच्छी तरह से नहीं समझा तो आप हमारे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को बिल्कुल ही व्यर्थ कर देंगे यह वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ पाएगा तो इस वीडियो खूब बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकांत में और पूरे ध्यान के साथ देखें तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे दोस्तों तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी रक्षा करो जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा मां की कृपा आपके ऊपर है आजीवन बनी रहेगी साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम माता से यह विनती करेंगे कि आपके जीवन में सौभाग्य आई माता की कृपा हम आपको बता दें कि अब तक के आपके जीवन काल में खुशियां कब रही हैं तकलीफ है जाग रही है मेहनत बहुत रही है संघर्ष बहुत रहा है लेकिन कामयाबी आंख बहुत ही कम ना के बराबर रही है कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका जीवन है अब तक का केवल एक दुख की कहानी बनकर रह गया दोस्तों ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव केवल आपके जीवन में ही आते हैं संसार के हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं लेकिन दूसरों के जीवन की परेशानियों में आपके जीवन की परेशानियों में अंतर है वह अंतर यह है दोस्तों कि जहां दूसरे इंसान मेहनत करके कुछ ना कुछ उपाय लगाकर अपने जीवन की परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं और फिर सुखी जीवन जीने लगते हैं वही आपके साथ ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त होती है जैसे तैसे उस परेशानी से बाहर निकलते हैं तुरंत दूसरी परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाती है यानी कि एक के बाद एक लगातार संघर्ष परेशानियों और कष्ट ने आपको अंदर से तोड़कर रख दिया है अब ऐसा होता है कि दुनिया के लिए इस संसार के लिए काम तो कर ही हंसते मुस्कुराते हैं लेकिन दिल ही दिल में आपका मन उदास रहने लगा है आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता है आपके मन में एक दुख का भाव है और दोस्तों हम आपको आपके दिल की बात बता दें कि कभी कभी एकांत में बैठकर आप जब विचार करते हैं अपनी जिंदगी के बारे में तो आपकी आंखों से आंसू छलक ही आते हैं और फिर आप अपने उन आंसुओं को खुद ही पहुँच इस संसार में फिर से चले आते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोस्तों आपके स्वभाव की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि आप अपने दुख अपनी तकलीफों को संसार के सामने कभी उजागर नहीं करते हैं संसार को पता भी नहीं चलने देते कि आपके दिल में क्या चल रहा है आपके दिल में कितनी तकलीफ है आपके मन में जो भी समस्याएं तकलीफ है उलझन है या दुख है आप उसके बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते हैं और यदि कभी आपका दिल भराए तो आप कर भी लेते हैं थोड़ी बहुत चर्चा तो तुरंत ही रुक जाते हैं आप नहीं चाहते कि लोग आपको दया की दृष्टि से देखें और आपके जीवन को कठिन बनाने में आपके जीवन की परेशानियों में बाहर वालों का ही हाथ नहीं है आपके अपनों का भी हाथ है या दोस्तों जिनसे आपने बहुत अधिक प्रेम किया यानी कि दिल से दिल का नाता था उन लोगों ने भी आपको राय देने में तकलीफ देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है आपका दिल जानता है कि आप पर क्या बीत रही है लेकिन आप किसी से इस बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं आपका स्वभाव ही ऐसा है दोस्तों आश्चर्य की बात तो यह है कि जो आपके दिल में तकलीफ है कष्ट है उन्हें आप कभी बाहर जाए तो नहीं करते हैं और चेहरे पर एक मुस्कुराहट यूं कहे कि नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते हैं और शायद इसी नकली मुस्कुराहट को देख कर लोग आपके बारे में गलत अनुमान लगा लेते हैं दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके दिल का दुख जब पड़ जाता है आपकी तकलीफ है जब बढ़ जाती है तो आपको गुस्सा भी आने लगता है कुछ भी आने लगता है लेकिन आपके इस क्रोध को आपके इस गुस्से को कोई समझ नहीं पाता कि इसका असली कारण क्या है और लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं आपके दिल को दुखाने लगते हैं और आपको ही और बात भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं इन सब बातों को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में यह विचार उठता है कि काश कोई ऐसा होता इस संसार में जो आपके मन को समझता आपके दिल को समझता है और आपकी हर एक बात को समझकर आपके साथ बर्ताव करता है लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों अपने दुख के साथ ही आप स्वयं ही हैं लेकिन अब आप चिंता ना करिए अब आपकी हर एक तकलीफ का समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं अब आपकी हर एक तकलीफ का अंत होने जा रहा है दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे आपको आपकी तकलीफ होती छुटकारा प्राप्त होगा कौन सी है वही चीज आपको हर वक्त अपने घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में रखना चाहिए फिर चमत्कार करने लगेंगे आपके साथ लेकिन दोस्तों पहले आपको हम बता दें कि कुछ कमियां आपके स्वभाव के अंदर भी है यह दोस्तों आप बहुत सारी अपनी तकलीफों को खुद ही अपने ऊपर आमंत्रित कर लेते हैं और इस बात का को पता भी नहीं चलता है जिसमें सबसे बड़ी जो आपकी गलती है या यूं कहे कि आपकी कमी है वह यह है कि आप हर एक इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं जो भी प्यार की दो बोल बोल देता है आप उसके सामने अपने दिल को खोल कर रख देते हैं अपनी हर एक बात उसे बताने लगते हैं दो चार दिन की मित्रता में प्रेम व्यवहार में ही आप पूरी तरह से पिघल जाते हैं और अपने सारे रहस्य उसके सामने खोलकर रख देते हैं यह आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है लोग अपना काम बनवाने के लिए तरह तरह के नकाब चेहरे पर लगा कर आती है और अपना काम निकलते ही आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जी है दोस्तों यानी कि आपकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को पहचान नहीं पाते हैं यदि आपके अंदर यह क्षमता पैदा हो जाए कि आप अपने छुपे हुए शत्रुओं को दुश्मनों को पहचान जाए और दोस्तों को भी पहचान जाए तो आप की तकलीफ है काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी क्योंकि दोस्तों अपनों के बीच ही कुछ ऐसे शत्रु छुपे होते हैं जीवन को नर्क बनाकर रखते हैं कई तरह के षड्यंत्र रचते रहते हैं आप नीचे गिराने की साजिश करते रहते हैं और कई बार तो बात इस हद तक बिगड़ जाती है कि लोग छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करने से भी पीछे नहीं हटते हैं इसका प्रमाण है दोस्तों जब जब आपको जीवन में थोड़ी बहुत सफलता है मिलना शुरू हुई खुशियां आपके जीवन में आए तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया सब कुछ आपके हाथों से फिसल गया ऐसा दोस्तों क्यों हुआ ऐसा इसीलिए हुआ कि किसी ने किसी न किसी प्रकार का तांत्रिक उपाय टोटका टोना वगैरह आपके ऊपर कर दिया है इसकी वजह से आपकी खुशियां आपके हाथों में आने के बाद भी चल गई आपके जीवन में आपको सुख न दे पाए जी हाँ दोस्तों और आप इतने भोले भाले हैं कि आप हमेशा यही सोचते रहे कि शायद आपके अंदर ही कोई कमी है आपका ही भाग्य खराब है भगवान आपसे नाराज़ है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती है क्योंकि आपका जीवन में तकलीफ हो सकती है परेशानियां हो सके लेकिन आपका कर्म हमेशा उत्तम होता है आपका हृदय बहुत ही साफ है और आप हमेशा मन में दया का भाव रखते हैं दूसरों के हित की बात सोचते हैं अपनी खुशियों का दम घुट देते हैं कला घोट देते हैं लेकिन दूसरों को खुशियां देते हैं इन सब बातों की वजह से भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते हैं हाँ ग्रहों की चाल की वजह से कभी कभी जीवन में कष्ट और परेशानियां आ सकते हैं लेकिन इन सबका समय ज्यादा लंबा नहीं होता थोड़ी बहुत दिनों के बाद ही परेशानियां कट जाती हैं जी हाँ दोस्तों तो हमारा आपसे बस इतना सा कहना है कि आप अपनों के बीच छुपे हुए शब्दों को पहचाना सीखें जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आप हमेशा तकलीफ हो सकती रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपने हित के बारे में भी सोचें अपने जीवन के बारे में भी सोचें दूसरों को खुशी देने के चक्कर में आप अपने जीवन में परेशानियां मोल जो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है तभी कोई उपाय कोई भी वस्तु या कोई भी दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएगी जी हाँ दोस्तों अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है और कौन सी है वह चीज़ जो आपको अपनी जेब में रखकर निकल ली है दोस्तों यह कोई साधारण वस्तु नहीं है ये बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक व्यक्तियों को साथ में लेकर चलने वाली वस्तु है जो वस्तु हम आपको बताने जा रहे हैं उस वस्तु को आपको पहले जागृत करना होगा उसी तरीके से प्रयोग करेंगे तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है अब इस वस्तु के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा क्योंकि हनुमान जी की दिव्य शक्ति ही इस वस्तु के अंदर प्राण भरेगी और आपके जीवन को सकारात्मक बनाने में आपकी मदद करेगी यानी कि आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा का चित्र गलती से भी अगर तैयार हो जाता है तो उसे तुरंत साफ कर देगी जैसे ही आप इस वस्तु को अपनी जेब में रखेंगे तो ध्यान से सुनिए तो आपका उपाय यानी कि आपकी सामग्री तैयार होगी मंगलवार के दिन आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाना है आपको जाना है आठ और नौ फलास के बीच में यही सर्वोत्तम समय होता है जब दिव्य शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होती है इसी समय पर आपको मंदिर जाना है और आपको रात्रि के समय जाना है दोस्तों आठ और नौ दिन की नहीं है यह रात के समय है तो आपको रात्रि के समय आठ हजार दो बजे के बीच मंदिर जाना है और आपको लेकर जाना है लाल रंग का धागा और इस धागे में आपको नौ सौ डाट गांठे लगा देनी है और ग्यारह पान के पत्ते अब आपको क्या करना है कि ग्यारह पान के पत्तों पर लाल रंग के सिंदूर से श्री राम लिखना है और श्री राम लिखने के बाद आपको इन ग्यारह पत्तों को हनुमान जी को समर्पित कर देना है अब इसके बाद आपका दूसरा प्रयोग शुरू होगा आपको लाल धागा अपने हाथ में लेना है जिसमें आपने नौ सौले गांठे लगाई है ये दोस्तों धागा थोड़ा सा लंबा होना चाहिए और हर एक गांठ के बीच में लगभग चार अंगुल का अंतर होना चाहिए अब आपको हर एक गांठ के लिए एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है अब आपको ध्यान से सुना है पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी तो आप आसन लगाकर हनुमान जी के सामने बैठेंगे और एक दीपक प्रचलित करेंगे दीपक गाय के घी का होना चाहिए और आटे का बना हुआ होना चाहिए दोस्तों याद रखेगी जब भी हम कोई मन्नत मांगते हैं कोई विशेष उपाय करते हैं तो दीपक आटे का हो तो वह बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है तो आटे का दीपक आपको बनाना है गाय के घी से दीपक जलाना चाहिए और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर रहा है लेकिन उससे पहले आपको मन में संकल्प अवश्य करना है हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हनुमान जी से अपने जीवन की समस्याओं के बारे में बताना है और उसके बाद संकल्प लेकर जल छोड़ देना है चंचल मैं आपको यह कहना है कि हे प्रभु हम आपके लिए यह उपाय करने जा रहे हैं और यह रक्षा कवच धागा तैयार करने जा रहे हैं आप इसमें हमारी मदद करें और अपनी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद इस धागे में भर दें अब आपको नौ बार मान चालीसा का पाठ करना है लगातार नहीं करना है तो उसको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वही गांठ के लिए होगा उसके बाद हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेकर आप उस घाट पर लगा दिया दोस्तों और मन में गतिमान का नाम अवश्य लेंगे गतिमान हनुमान जी के भाई हैं इसके बाद आपको अगली घाट के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर से आपको हनुमान जी के पैरों से लिया गया सिंदूर उस घाट पर लगा देना है और गतिमान का नाम लेना है इस प्रकार आपको नौ बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और अंत में आपको बजरंग बाण का पाठ करना होगा अब आपका यह उपाय पूर्ण हो चुका है आपने जो पान के पत्ते रखे हैं हनुमान जी के सामने उन्हें समर्पित करके पान के पत्तों को भी अपने हाथों में ले लेना है और यही प्रक्रिया आपको फिर से दोहरा नहीं है यानी कि आपको के पत्ते हाथ में लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमने आपके लिए यह उपाय किया है आप अपनी दिव्य शक्ति अपनी कृपा और राशि हमारे ऊपर लेकर आए ताकि हमारा जीवन सुंदर और सरल बन सके बस अब आपको अपने घर वापस आ जाना है आपका उपाय पूर्ण हो चुका है आपका रक्षा कवच और सामग्री तैयार हो चुकी है अब आपको जो पान के पत्ते लेकर आए थे उन्हें सुरक्षित अपने घर में कहीं पर रख देना है और जो धागा आप लेकर आए हैं उसे अपने दाहिने हाथ और लपेट लेना है यानी कि अपनी कलाई पर अब आपको क्या करना है कि जब भी आप घर से बाहर निकले किसी भी शुभ कार्य के लिए निकले किसी बड़े कार्य के लिए निकले तो आपको एक पान का पत्ता अपनी जेब में रखकर निकलना है और आपके हाथों में धातु लपेटा हुआ है बस इसी एक उपाय से आपको सारी खुशियां प्राप्त होगी हर एक नकारात्मकता दूर हो जाएगी अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि इतने से क्या हो जाता है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जीवन में ऐसा नहीं है जैसा हम इसे समझते हैं इससे कहीं विशाल है कहीं अधिक विस्तृत है असल में क्षेत्र है हमारे वैदिक परंपरा में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है तो जैसी भी उड़ जाए आपके आसपास होगी वैसा ही आपका मन होगा वैसे ही आपकी उपलब्धियां और जीवन होगा यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपका मन हमेशा उदास रहेगा चिड़चिड़ा रहेगा आपका आपके कार्य में मन नहीं लगेगा और आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा जैसे कि आपकी तबीयत खराब है आपकी सेहत ठीक नहीं है आपको सफलता मिलना तो दूर समाज में मान सम्मान और इज्जत भी नहीं मिल सकता है लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण सकारात्मक है आपका हर एक काम में मन लगेगा हर एक जगह आपको सफलता प्राप्त होगी मान सम्मान प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी तो अब आप ध्यान से सुनिए कि जब आप इन पान के पत्तों को अपनी जेब में रखकर निकलेगी और यह सुरक्षा कवच यानी धागा अपने हाथ में लपेट कर निकलेंगे तो आपके आसपास जो ऊर्जा का वातावरण है इंग्लिश में और अभी कहते हैं ये बिल्कुल ही साफ हो जाएगा सकारात्मक ऊर्जा से भर फिर आपके जीवन में केवल और केवल अच्छे कार्य होगी आपको सफलता प्राप्त होगी और जो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेगी लेकिन इस सबका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि आपके शत्रु आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे आपके सामने घुटने टेक देंगे और आपका बातों का प्रभाव और आपके कार्यों का प्रभाव इतना अधिक हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति जो आपके सामने आएगा आपसे सम्मान के साथ ही बात करेगा यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक बात जो आप चाहते हैं वही आपके जीवन में घटित होगी अब आपके मन में यह भी प्रश्न अवश्य आ रहा हूँ ग्यारह पान के पत्ते समाप्त हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है तो दोस्तों आप चिंता ना करें जब आपके ग्यारह पान के पत्ते समाप्त हो जाएं, तो आप उन्हें इस उपाय को दोहरा सकते हैं दोस्तों जाता है क्या है बहुत से बहुत तो आधा पौना घंटा लगता है इतने से उपाय को करने में जब आप इस उपाय को निश्चित तौर पर करेंगे और नियमित तौर पर करेंगे तो आपको लंबे समय तक सुख सुविधाएं आनंद और शर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और दो चार बार ही इस उपाय को आप दोहराएंगे उसके बाद आपको इस उपाय को करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि फिर हनुमान जी की दिव्य शक्ति हमेशा के लिए आपके साथ ऐसा बस इस उपाय को एक बार करके देखिए फिर परिणाम कैसे होते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताना हम गारंटी देते हैं दोस्तों क्या आप जिस दिन उपाय करेंगे उसके अगले दिन से ही आपको इसके परिणाम सकारात्मक शक्ति महसूस होनी शुरू हो जाएगी जीवन में अंतर निश्चित तौर पर आ जाएगा दोस्तों आपके मन में वीडियो की बताई हुई बातों को लेकर कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें जय बजरंगली लिखना ना भूलें माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा आपका जीवन सुंदर और सरल होगा मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय माता दी